अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने एक जो टॉपिक है ये क्लास फिफ्थ का है, फिफ्थ क्लास। तो मेरा टॉपिक है आज का टॉपिक जो है मेरा आज का टॉपिक जो है द एडिट बॉक्स, सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, टॉपिक द एडिट बॉक्स। बेटा ये जो है एडिट बॉक्स, ये जो नज़म है इसके जो आथर है अरविंद गिगू, इसके आथर हैं, इसके लिखाड़ी हैं, जिसने ये पोएम लिखी है, नज़म लिखी है। तो बेटा मैं इसको पढ़ूंगा आपके सामने, और आप अपनी किताब खोलिए प्लीज़, देखिए मैं पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनिए। द एडिट बॉक्स, ही प्लेज विद द रिमोट कंट्रोल एंड वॉचिज द स्पाइडरमैन, ही डजंट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल एंड शेप ए स्नोमैन, ही मेड हिज डैडी एंड मम्मी buy an LED for him, he shuts himself in his private room and doesn't let anyone in, he has not seen a mountain, a flower, a garden and a waterfall, he laughs when he sees an untrue man fly over a hill, he doesn't turn the leaves of a picture book or comics, he changes the channels to suit his shifting mood, he doesn't relish the food stuffed in his mouth, he is excited seeing parrots eat fishes and fruits, he wears thick glasses and contracts his eyes to see. Men, women and children walk in the drawing rooms. बेटा एक पोएम जो है इसको पूरी तरह आप किताबों पे आप देखिए मैंने क्या पढ़ा, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमारे उस्ताद ये क्या पढ़ा, और उस आप पूरी तरह देखो आप तो आपको समझ में रीडिंग आ जाएगी। रीडिंग पूरी तरह आप सुनिए जिस तरह मैंने यहाँ पे रीडिंग की है आपके सामने इस पोएम को। तो याद रखने की बात यह बेटा कि इस पोएम का जो लिखने वाला है अरविंद गिगू ने लिखी है ये, तो अरविंद गिगू जो इसके लिखाड़ी है उसने क्या किया है, उसने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि जो एक बच्चा होता है वो टीवी को दिन भर वॉच कर रहा है अपने कमरे में, बंद कमरे में, सिर्फ उसको बाहर की दुनिया में कुछ पता नहीं है, बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसमें वो वीडियोस स्पाइडरमैन प्लेइंग वगैरह जो सीरियल्स वॉच कर रहा है, और अपने आप को पूरा अपाहिज बना के बैठा है कमरे में, और बाहर की दुनिया में कुछ अता पता नहीं है उसको बाहर की दुनिया में। बेटा मेरी आपको ये नसीहत है कि टीवी को टेलीविजन को इसने इडियट बॉक्स का नाम दिया है, वाकई तौर पर इडियट बॉक्स है ये टीवी सेट, क्योंकि जो दिन भर वॉच करेगा उसका दिमाग, उसकी टांगें, उसका जो शरीर, उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ती है। थैंक यू।